ईद का माहौल बन चुका है, महफिल में नाच गाने की शुरुआत हो चुकी है और नाच गाने की शुरुआत हो ऐसे में सबसे पहले वही दिखेंगी जिनको नाचने का बड़ा ही शौक है। बात हम शांतनी घोष की कर रहे हैं। गाने मिले हैं बहुत दिनों से, मैं चाह रही थी कि इन पे परफॉर्म करूं बट कभी मौका नहीं मिला। एक तो है छुटिया कलाइया और दूसरा है बनो तेरा स्वैगर तनुवेज मनु पाटू से, और दोनों ही फ्लेवर में बहुत अलग है क्योंकि छुटिया कलाइया अगर आप देखिए तो बहुत ही गर्ली नाजुक वाली क्यूट वाली है और बनो तेरा स्वैगर तो फुल ऑल आउट है ना, टपोरी विसर्जन टाइप्स। सो हाँ, एज ए परफॉर्मर इट्स ऑलवेज फन जब आपको ऐसे अलग अलग चीज़ें कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें करने को मिलती है। एंड जहाँ तक डांस की बात है, इट्स ऑलवेज बीन माई पैशन, सो जब भी नाचने का मौका मिलता है सो आई एम तो ऑलवेज हैप्पी एंड एंजॉइंग माई सेल्फ। जो आज कबूल है मैं ईद मनाने पहुँची है और उनके साथ कोई और भी है जिनकी इस ईद पे खास एंट्री हुई है। ये जनाब दिखते तो शाद की तरह है पर ये शाद नहीं बल्कि उनके हम शक्ल मुर्तुजा है जो बाहर देश से आए हैं और इनका मिशन है असली शाद को मारकर उसकी जगह लेना। शाद शाद है, हमेशा रहेगा। शाद को कुछ हुआ है, कौन है, क्या है, बहुत जल्द पता लगेगा, शायद आज नहीं। लेकिन ईद के मौके पे कबूल है मैं खूब सारी हेरा फेरी दिखेगी, खूब सारी साजिशें दिखेंगी और साथ ही साथ देखने को मिलेगा खूब सारा नाच गाना विद लॉट्स ऑफ ग्लैमर। शायद बेचारा अपने इस हम शक्ल मुर्तुजा से बेखबर है, वो तो जन्नत संग अपने रिश्ते को लेकर कश्मकश में है। कभी थोड़े से रोमांटिक पल वो उसके साथ बिताता और फिर अचानक उसे इस बात का एहसास हो जाता कि ये जन्नत नहीं, ये तो सनम है, वो भी आहिल की। एक फाइनल डेस्टिनेशन तक शायद नहीं पहुंच पाए शाद और जन्नत की, तो इसी वजह से शायद मायूस है और उसका दिल टूटा हुआ है, बस और कुछ नहीं। कबूल है मैं डबल रोल की मानो होड़ सी लग चुकी है, हर कोई यहाँ पे दो दो किरदार निभाने लग गया है। अब इस नए ट्रैक में आगे क्या होगा इस बात का खुलासा भी हम जल्द करेंगे। मुंबई से सुशीला उपाध्याय की रिपोर्ट।